पहले आप बताओ आप इतने सुंदर कैसे हो? हिंदुस्तान की सबसे पहली दुकान इस चक्कर से बोला जाता है बिकॉज इसके आगे थोड़ा सा आगे जाके ना एक तो चाइना है। ये वही रास्ता है जिस रास्ते से पांच पांडव स्वर्ग गए थे। जी हम ना घूमते फिरते गांव की गलियों के अंदर आ गए हैं। अरे वाह, रहने के लिए मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा, सोने के लिए। अरे वाह क्या बात है, आप यहीं से हो सर? लो जी आप भी दर्शन कर लो हमारे साथ इस प्यारे से सुंदर से मंदिर के। भाई देखो मैं ना गांव की गलियों में वॉक करता करता बिल्कुल अंदरून अंदर वाले गाँव में आ गया हूँ। गुरप्रीत पाजी तो पहाड़ी मोमोज आ गए, पहाड़ी मोमोज पाजी, मोमोज की शक्ल। माना विलेज में आपका स्वागत है। भाई मैं तो पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे, काफी सारे लोगों के ना यहाँ पर घर हैं, तो चल के देखते हैं कि सारे लोग क्या करते हैं। वैसे तो देखो यहाँ पे ना लोग हैंडमेड ये सब चीजें बेच रहे हैं। यहाँ पे चेक करो देखो कितनी सारी चीजें इन्होंने ना हाथ से बनाई हुई है, सारी हाथ की बनी हुई चीजें हैं। सही है, कैप्स हैं, मफलर्स हैं, और ये देखो सॉक्स भी है भाई साहब, प्रॉपर पहाड़ी वाली सॉक्स हैं, और साथ में ना ये स्कार्फ भी है भाई, और ये देखो बैंड भी है, बड़ा पाव वाला बैंड भाई, बहुत सही है, और बच्चों के कपड़े वगैरह भी हैं। सो वापसी में ना मैं देखूंगा, अभी जरा मैं आगे पहले एक्सप्लोर करके आ जाऊँ फिर वापसी में देखूंगा। और ये देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके की शॉल्स वगैरह मफलर्स वगैरह मिल रहे हैं भाई, बहुत सही है, और बच्चों के कपड़े भी हैं देखो, प्रॉपर वुलन वाले कपड़े, हैंड निटेड हुए हुए, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट मटीरियल है, बहुत सही मटीरियल है। मैं तो यार बहुत ज़्यादा वाला सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ बिकॉज ना मैंने इसके बारे में ना बहुत कुछ सुना हुआ है, और मैं पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे ना एक्सप्लोर करने। और यहाँ पे देखो दीदी सो रही है, चलो दीदी को सोने देते हैं। बाकी ना कुछ ग्रीन टी, कुछ जड़ी बूटियाँ, कुछ इस तरीके की चीज़ें भी पड़ी हुई थी, बट मैंने कहा चलो बाद में देखते हैं। ये देखो ये सब जड़ी बूटियाँ थी हैं, और जिन लोगों को चलने में दिक्कत है उनके लिए यहाँ पर कांडी भी है भाई, कांडी करो और आराम से घूमो, पूरी विलेज वाली लाइफ को एक्सप्लोर करो। ये सब यही बनता है, क्या रेट है इसका? 150 का पेयर है, ओके चलो अभी वापसी में आता हूँ अभी, थैंक यू। अरे भाई कितनी सुंदर टोपी है, ये खुद आपने बनाई हुई है? कितने की टोपी है ये? हाथ से बनाई हुई है, कितने की है? 150 बस, क्या बात है, मटेरियल भी बहुत अच्छा है। आ? मैंने कहा मटेरियल भी बहुत बढ़िया मटेरियल है इसका। इसकी कितनी लाइफ होती है, कितना चल देगी ये? जैसे ये तो उतना बोल रहा मैं, 150 दोनों का 300, ठीक है भाई बहुत बढ़िया। और ये जो बैंड है, ये वाला बैंड, ये 100 रुपए का, थोड़ा ज्यादा सारे बैंड लूंगा, कुछ कम कर दोगे? कम नहीं करोगे? 10 पीस लूंगा, 10 पीस नहीं, बैंड इतना बड़ा बड़ा है। देखो बैंड बहुत सुंदर बैंड है, बहुत सुंदर बैंड है, 100 में। और ये क्या है, ये घर के बाहर टांगने वाला? अच्छा गणपति महाराज जी है, ओके चलो सही है। और ये क्या है, इसके अंदर क्या है? ये क्या है? चाय पत्ती है, यही उगती है, ग्रीन टी, ठीक है। चलो मैं ना अभी जरा वापसी में आता हूँ, मेरे को देखो 10 पीस चाहिए, थोड़ा रेट कम कर लेना। नहीं रेट कम क्या होता, कितना दे जाता आप बताओ, कितना बनेगा? हमको तो आप तो सस्ता दे रहा हूँ, दे देता हम तो, चलो 100 में दे रहा हूँ। अच्छा चलो मैं अभी आ रहा हूँ वापसी में, आके लूंगा ये, ठीक है? आ रहा हूँ। आऊंगा। लो जी हम ना घूमते फिरते गांव की गलियों के अंदर आ गए हैं। वैसे तो एक रास्ता ना उस साइड से पीछे से निकलता हुआ आगे एक मंदिर है, मंदिर वाली जगह पे जाता है, बट मेरा मन था यार कि ना गांव देखते हैं, गांव की गलियां देखते हैं। देखो घर का गेट देखो, कितना ही छोटा सा गेट है। पाजी कितने फुट का गेट होगा यार ये अंदाजा? 4 फीट का होगा ना भाई, 4 फीट का गेट है देखो। और ओ भाई जी देखो इधर यार, देखो गांव की गलियां कैसे कैसे नीचे से जा रही है, और जब यहाँ पे बर्फ पड़ती होगी भाई कितना बढ़िया लगता होगा, है ना? और देखो यहाँ पर कुछ लोगों के घर इस तरीके से भी हैं, ठीक है जी। और ये इनकी किचन एरिया हो गया, वॉशिंग एरिया हो गया, और सामने यार ये देखो पेंटिंग कितनी सुंदर लग रही है। कैसा है बेटा तू, क्या हाल है? हेलो करे यार,
क्या नाम है तेरा? अभिनव। क्या करता है भाई तू? नहीं नहीं, तू क्या करता है मेरे भाई? मैं अपना भाई बना के तेरे को बात कर रहा हूँ। पढ़ाई करता है? कौन सी क्लास में? सेवन्थ में। तो स्कूल कहाँ पर है? यहीं पास में है कि दूर है? मैं तो देहरादून जाता हूँ। अरे वाह, तो या फिर यहाँ पे घूमने आया हुआ है? नानी के घर आया हुआ है। क्या बात है, नानी के घर जाएंगे, मोटा होकर आएंगे। ठीक है, मोटा होकर जाइए वापस। सही है, मजा आ रहा है यहाँ पे रहने का? आए सही है सही है। चल अभी तेरे से वापसी में मिलते हैं, ठीक है? बाकी देखो यहाँ पे ना ये पांच पांडव वाली पेंटिंग हुई हुई है, और इसकी ना कुछ इसका इतिहास है भाजी। तो इतिहास आके कोई मिलेगा ना तो उससे पूछवाएंगे, उससे बात करवाएंगे। हम अपने मुंह से नहीं बोल रहे, ठीक है? तो ऐसी कुछ गलत बोलते हैं फायदा क्या भाई, इसलिए। बाकी देखो, अरे आओ भाजी। लो जी घर बन रहा है यहाँ पर। एक कितने का घर मिलेगा यहाँ पर? भाजी आ जाओ, किराए के लिए मिल जाता है और एक दिन के लिए। और घर वैसे बिकता नहीं है, यहाँ पे कोई बेचता नहीं है। अच्छा सही बात है, सही बात है। बंदा यहाँ पर आके, अच्छा किराए पे तो रह सकता है ना? किराए पे रह सकता है। खाना वाना मिलेगा फिर? आप पैसे देंगे यार? पैसे दे के खाना खाएंगे? चलो सही है सही है। बंदे भारत आगे होम स्टे है। अरे वाह, रहने के लिए मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा, सोने के लिए। अरे वाह क्या बात है, आप यहीं से हो सर? आज यहीं से। क्या बात है सर, कैसे हो सर, क्या हाल है? तो ठीक है सर। क्या करते हो सर आप? रिटायर। अच्छा रिटायर हो, पर मजे ले रहे हो सर आप ना यहाँ की वादियों के, सब चीजों के। आपको अच्छा लगता है यहाँ पे रहना सर? हाँ जी। जो मजा, जो आनंद इधर है, हाँ जी, आपको उधर नहीं है। ये तो बात सच्चाई है। आप किधर से बिलोंग करते हैं? मैं सर दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से? दिल्ली हाँ, कैसी? दिल्ली हूँ आपका, वेस्ट दिल्ली, रजौरी गार्डन। हाँ जी हाँ जी, नहीं ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे आता रहता हूँ दिल्ली। अच्छा अच्छा, हमारे बच्चे जॉब करते थे ना, इसमें ट्रांसफर हो गया कलकत्ता। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सर। कैसा लगता है यहाँ पर आपको रहने में? हमारे यहाँ बढ़िया है, स्वतंत्र वादी है। अच्छा, शुद्ध पानी है। शुद्ध पानी है सर, दिल्ली में शुद्ध हवा। आजकल गर्मियों में हालत खराब, सर्दियों में देखो कोहरा से हालत खराब। सही बात है। एक बार मैं दिल्ली से जो है आपका मेरठ आने तो तीन घंटा लग गया, ओहो एकदम कोहरा हो गया। अच्छा, अभी तो वैसे है नहीं। सही बात है, इधर फुल आजादी है, फुल आजादी है, बस आराम से कहीं भी घूम लो। सही है सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर क्या नाम है अपना? आर एस परमार। ठीक है सर, अच्छा लगा सर आपसे मिलके। थैंक यू। बाकी देखो यहाँ पे ना घर बन रहे हैं, और घर कुछ इस तरीके से है। अरे वाह पाजी, क्या देख रहे हो, हमें भी दिखा दो पाजी। बालकनी देख रहे हो क्या? सही बालकनी है। सो यार ये देखो, ये है माना विलेज। सो अपना मन था कि हम ना विलेज को अंदर से एक्सप्लोर करें। वैसे ना देखो यहाँ पे कुछ घरों को ना ताले लगे हुए हैं, और शायद गांव वाले कहीं गए होंगे ये वाले। यहाँ भी ताला लगा हुआ है। ओ भाई यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है भाई, बहुत सारे घरों में ताले लगे हुए हैं, क्या चक्कर है? चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। और पतली पतली गलियाँ, बड़ी प्यारी प्यारी सी, मतलब बड़ी अच्छी वाली देसी वाली फील आ रही है। और घरों के बाहर ना पेंटिंग हुई हुई है। लो जी हम पहुंच गए इस मंदिर के बाहर। ये मंदिर देखने में ना बिल्कुल केदारनाथ मंदिर की तरह जबरदस्त। लो जी आप भी दर्शन कर लो हमारे साथ इस प्यारे से सुंदर से मंदिर के। पाजी वहां देखिए अपने घंटियां, देखो कितनी सारी घंटियां लगी हुई हैं। अब हल्की सी एक बारी जरा घंटी को बजाते हैं, ठीक है जी? और प्रभु को अपनी हाजिरी परवान करवाते हैं छोटी सी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये देखो जी, सो जी यहाँ से है भीम पुल 900 मीटर दूर। सो 900 मीटर का ट्रैक है छोटा सा, बट यार मंदिर चेक करो कितना ही सुंदर लग रहा है मंदिर। सेम केदारनाथ की कॉपी करा हुआ है। बाकी देखो हम यहाँ से निकलते हैं छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी गलियों के बीच में से। अरे भाई साहब क्या गली आई, अरे भाई साहब क्या कट आया भाजी। यार कट तो बड़े प्यारे प्यारे कट है यहाँ पे यार, है ना? देखा वर्धन है यहाँ पर, है ना भाजी? देखो कुछ इस तरीके से घर है भाई। हेलो हेलो जी हेलो। और ये देखो मंदिर के बाहर का कुछ नजारा। आओ जी, थोड़ा सा ना मैं एंड पॉइंट पे आ गया हूँ, मैंने कहा जरा यहाँ से भी एक बारी नीचे का नजारा ले। पाजी आ जाओ भाई, देखो कितना सुंदर नजारा है। नदी का सारा भाव उस साइड से आ रहा है भाई साहब। और कहते हैं कि इस वाली पहाड़ियों की पिछली वाली साइड पे ना चाइना है। पाजी नजारा लो, नजारा बहुत बढ़िया वाला नजारा लो।
भाई देखो मैं ना गांव की गलियों में वॉक करता करता बिल्कुल अंदरून अंदर वाले गांव में आ गया हूँ, और यहाँ पे देखो इन्होंने ना गायें वगैरह भी रखी हुई है दूध वगैरह के लिए, उसके उपले वगैरह भी रखे हुए हैं बेसिकली, और दूध वगैरह यूज़ करते होंगे, उपले भी इनके काम आते होंगे, है ना। और ये देखो कुछ गाँव का इस तरीके का नज़ारा है, किसी की भी ना वैसे देखा जाए ना तो पक्की वाली छत नहीं है, टीन की चदरें डाल के इसी से पक्की छतें बनाई हुई हैं, और फील भाई साहब पूरा वही वाला है। बाकी एक चीज़ है कि ना इन घरों की ना ज़्यादा हाइट नहीं है, हाइट बहुत छोटी छोटी सी हाइट है, और ऐसे पतली पतली सी गलियाँ हैं, और गलियों के साइड में ऐसे नालियाँ हैं, और इधर देखो खेती बाड़ी भी हो रही है। भाई साहब क्या ज़बरदस्त व्यू है भाई, अल्टीमेट वाला भाई, अल्टीमेट ऐसे नज़ारे तो भाई साहब बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं, बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। फील आ गया मेरे को ना यहाँ पर आके, फील आ गया भाई साहब, बहुत बढ़िया वाला। लो जी यहाँ पे ना होम स्टेज की फैसिलिटी भी स्टार्ट हो चुकी है भाई, मेरे को तो पता ही नहीं था, पता होता ना तो बैग लेके ना सीधा मैं यहीं आ जाता, सीरियसली बता रहा हूँ भाई, बहुत सुंदर नज़ारे हैं। और एक यहाँ पर एक और होम स्टे भी रेडी हो रहा है, होम स्टे रेडी हो गया जी, ये वाला रेडी हो गया। क्या चार्जेस होंगे सर अभी, क्या चार्जेस चल रहे हैं? 2000 रखा हुआ है अभी, 2000 रखा हुआ है। और विद फूड होता है कि विदाउट फूड? विदाउट फूड। और बेस्ट रेस्टोरेंट है यहाँ पे? अच्छा रेस्टोरेंट है अंदर अपने पास। कब से कब तक चलता होगा ये? साल के 12 महीने तो नहीं शुरू, अप्रैल टू नवंबर। और बर्फ कब मिलती होगी यहाँ पे इस एरिया में? हाँ जी अप्रैल में मिलेगी, नवंबर में मिलेगी। अच्छा नवंबर में मिलेगी, मतलब नवंबर में इस एरिया के अंदर बर्फ होती है? थोड़ा 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 होता है, और ठंड बहुत होती होगी। कितना टेम्परेचर होता होगा उस टाइम पे? टेम्परेचर 6-7 हो जाता है उस टाइम। अच्छा सही है, सही है। एक रूम में कितने लोग रुक सकते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा मन कर गया कि एक बार ना इस जगह पे आके स्टे करूं। मैं क्या कह रहा हूँ, जगह इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, और क्या हवा चल रही है, क्या वादी है। 4000 का मिलेगा, वो 2000 का मिलेगा। अच्छा जी, जो स्टैंडर्ड जो है 4000 का, हाँ हाँ, 2000 में दे रखा है। सही है, सही है। चलो और आसपास जगह है और भी एक्सप्लोर करने के लिए? गणेश गुफा है, हाँ जी, हाँ जी, सरस्वती मंदिर है, हाँ जी, भीमशिला है, हाँ जी, आगे वसुधारा फॉल दिखाई दे रहा है। वसुधारा फॉल यहाँ से वो जो सामने वाला है वो है दिखाई दे रहा, हाँ। वो जो सामने जो बहर है वो वाला है, हाँ जी, वो देखो भाई साहब इतनी दूर है। उसका ट्रैक कितनी देर का है? 7 किलोमीटर, 3-4 घंटे का। 3-4 घंटे एक तरफ का, जिस दिन आप यहाँ स्टे करोगे ना, हाँ, तो इधर से कर सकते हैं, तब कर सकते हैं वसुधारा के लिए आना जाना। स्वर्गारैनी वहाँ क्या होता है? वही जो पांडव लोग स्वर्ग गए थे वही बताते हैं। अच्छा वो वहीं से रास्ता है? हाँ, तो 3 दिन का ट्रैकिंग है। 3 दिन का ट्रैक है, ये आ रहे हैं वो सतोवन से आ रहे। अच्छा ये लोग उधर ही गए थे? अरे वाह, अच्छा अच्छा, अरे वाह अरे वाह, क्या बात है। सो यार देखो वो आगे जो पुल है जहाँ से कहते हैं कि वो पांडव लोग स्वर्ग गए थे, सही है भाई, कभी ना कभी जरूर जाएंगे हम भी देखने के लिए वहाँ तक। बाकी स्वर्ग में कब जाएंगे वो नहीं पता, पर उस रास्ते पे जरूर जाएंगे। क्यों जी? जगह जरूर देखिए। हाँ सही बात है, सही बात है। चलो सही है, दिल्ली से हूँ जी। ठीक है ठीक है। अब आप लोग इधर से दर्शन करो, तब जाऊंगा। हाँ हम लोग इधर दर्शन करने आए हैं, आपके दर्शन करने आए हैं। आप हमारे दर्शन, हम आपके दर्शन। कैसे हो, कैसे हो जी, कैसे हो जी, आप क्या हाल है जी? ठीक है, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। पूरा दुनिया ही ठीक होना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सब स्वस्थ होना चाहिए कृपा से। हाँ जी तभी तो भेंट होगा। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, आप भी देखो मेहनत कर रहे हो तो बहुत, वैसे आप बैठे बहुत बढ़िया जगह पर हो। ठीक ही है, थोड़ा बहुत टाइम पास हो जा रहा है। सही बात है, जैसे भगवान ने जैसा लिखा होता है जितना है। हाँ हाँ चलो, शाम सुबह का रोटी। अरे वाह बहुत है, क्या बात है, क्या बात है, इतनी बड़ी बात बोल दी आपने। इतनी मैं वही कह रहा हूँ, इतनी बड़ी बात बोल दी आपने। ज्यादा क्या
क्या लेना था? सही बात है, सही बात होगा, सही बात है, बहुत है बदरी, सही बात है, सही बात है। चलो हम भी गए, हम आपके गुरु। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने आपकी वो चाय पिया, खिचड़ी खाया ऊपर खंगरिया और ऊपर वाले। अच्छा सही लगा, बढ़िया लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा कि वो बहुत सेवा। चलो थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। उसमें ना बहुत अच्छा रिवाज, अरे मैंने दसवंत कहते हैं उसको कि आप जितना कमा रहे हो उसका 10% आप काम कर रहे हो सब। हाँ, औरत भी मर्द भी बड़ा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो यही है, वो इसीलिए करते हैं ना कि कहते हैं कि इक्वल हो जाए सारे, ऊंच नीच को खत्म करने के लिए। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई मतलब नीचे वाली जात का नहीं, सब एक बराबर। ताकि एक बराबर बैठ के लंगर खाओ, एक बराबर बैठ के सेवा करो, एक बराबर बैठ के भगवान का नाम लो, तो पैसा तो यहीं रह जाना है, इंसानियत और प्यार साथ जाना है, है ना? बिल्कुल अच्छा लगा। नहीं आपसे मिलकर भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। नहीं आप वैसे ही बहुत सुंदर हो, आप शक्ल से भी सुंदर हो और दिल से भी सुंदर हो। वहाँ गए हेमकुंड साहिबा में। हाँ जी हाँ जी, हमको बहुत अच्छा लगा। चलो सही है, सही है, चलो सही है, सही है, हमें भी अच्छा लगा। अच्छा जी, अच्छा, थैंक यू भाई। एक चीज है, मैंने ना अभी तक यहाँ पे जितने भी लोगों से बात करी है ना, सब लोग बहुत ही हंस के, बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्माइलिंग वाले फेस से बात कर रहे हैं। क्यों पाजी, ये चीज आपने फील करी कि नहीं करी? यहाँ के लोग बहुत बढ़िया लगे मेरे को। आंटी ने कितने प्यार से बात करी। हाँ, आंटी ने भी करी, इनफैक्ट पीछे जो दो बंदे मेरे को और मिले, सब लोगों ने बहुत प्यार से बात करी, मतलब ना जुबान पे मिठास है लोगों के, है ना? तो ये एक अच्छी चीज है यहाँ के लोगों की, कि इनकी जुबान पे बहुत प्यारी मिठास है। हिंदुस्तान की प्रथम दुकान पे पहुंच गए भाई साहब, आप प्रथम दुकान भी कह सकते हो और लास्ट शॉप ऑफ दिस विलेज भी कह सकते हो भाई साहब। वैसे प्रथम दुकान हो चुकी है अभी, ये पहले इसको लास्ट शॉप ऑफ दिस विलेज कहते थे। बाकी यहाँ पे देखो आपको ना गर्मा गर्म पकौड़े एंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। बाकी काफी लोग ना ऊपर एक और मंदिर है वहां जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो हम भी चलते हैं। यहाँ पर उन्हीं का इतिहास है और ये जो चीजें बन रही है ना, ये मूर्तियां थी, ये पांच पांडवों की ही मूर्ति बन रही है यहाँ पे। हिंदुस्तान की सबसे पहली दुकान भाई, मतलब ये ना सबसे पहली दुकान है इस चक्कर से बोला जाता है, बिकॉज इसके आगे थोड़ा सा आगे जाके ना एक तो चाइना है, दूसरा ये जो रास्ता है आगे कहते हैं कि स्वर्ग, इसी रास्ते से गए थे पांच पांडव, ठीक है जी। तो इसलिए, और वैसे भी इसके आगे और कोई दुकान नहीं है, तो हम आ चुके हैं लास्ट शॉप ऑफ दिस विलेज या प्रथम दुकान ऑफ दिस विलेज, ऐसे करके आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है? तो कुछ मंगवाते हैं। पाजी क्या खाओगे? पकौड़े। चलो फिर पकौड़े पकौड़े पकौड़े। ओए होए, क्या मस्त मस्त पकौड़े मिले हमारे को भाई साहब, जबरदस्त वाले पकौड़े। और साथ में ये जो चटनी मिली है ना भाई, थोड़ी स्पाइसी है, बट सच्ची बताऊं खाने का मजा इसी को आ रहा है भाई, बहुत जबरदस्त वाली। और साथ में इतने बढ़िया बढ़िया ऐसे वाले नजारे हैं भाई साहब। मजेदार भाई, मजेदार, रिकमेंडेड है। गुरप्रीत पाजी, तो पहाड़ी मोमोज आ गए, पहाड़ी मोमोज पाजी, मोमोज की शक्ल देखो भाई, क्या जबरदस्त वाली है ना, देख के भाई साहब क्रेविंग हो गई मेरे को तो, गंदी वाली ना। सही है भाई, सही है। लो पाजी पकड़ो। सो बाय बाय है जी इस ढाबे को, जहाँ से हम लोगों ने ना बहुत सही वाले पकोड़े एंड मोमोज वगैरह खाए, चाय वगैरह भी पी ली है। सो ये जगह थी और बहुत मजा आया भाई यहाँ पे ना पकोड़े और मोमोज खा के। बाकी इस तरफ से भी ना आप ऊपर ट्रैक करके ना काफी आगे तक जा सकते हो। बाकी हमारा ना वहाँ जाने का भी सीन नहीं है, तो अभी हम चलते हैं वापस विलेज की तरफ। अब हम लोगों ने यहाँ से नीचे की तरफ वॉक करते हुए उस साइड पर प्रॉपर जाना है, थोड़ा सा ट्रैक करते हुए, और भाई बहुत सुंदर नजारा है। एक बारी तो यार यहाँ पर आना पड़ता ही है, हो सकता है मैं तो नेक्स्ट ईयर फिर आऊंगा। बाकी जी आप भी हमारे साथ ना मंदिर के दर्शन कर लो,
क्योंकि देखो मंदिर के अंदर की हम वीडियो नहीं बनाएंगे, सो हम ना दूर से ही आपको मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं। मंदिर के दर्शन कर लो जी, अपनी अपनी हाजिरी लगा लो जी। बहुत पवित्र जगह है जी, बहुत बढ़िया जगह है जी। पहले आप बताओ आप इतने सुंदर कैसे हो? नहीं वैसे नॉर्मली पहाड़ी लोग इतने ठंडा से तभी पहाड़ी लोग इतने सुंदर होते हैं। ठंडा है बहुत यहाँ। हाँ गर्मी कम है ना। अच्छा खाते क्या हो? दाल रोटी चावल सब्जी। ठीक है चलो थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम। आप बहुत सुंदर हो। ठीक है जी, वेलकम आप लोगों का। थैंक यू जी, थैंक यू। आओ आप कभी। बिल्कुल जरूर आएंगे जी, जरूर आएंगे। रोज आते हैं आप लोग का पाठ सुनने में। नहीं हाँ सही बात है। ठीक है थैंक यू। पहली बार ही आया था और भाई मेरा एक्सपीरियंस ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल वाला गया, बहुत ज्यादा वाला मजा आया। मैंने एक एक मूवमेंट एक एक चीज यहाँ पर ना फुल अच्छे से एंजॉय करी और मैं जो भी कुछ मैंने देखा ना, मेरे को तो भाई हर चीज को देखने में और खाने पीने में हर एक चीज को फील करने में मेरे को बहुत ज्यादा वाला मजा आया। सो आई होप कि यार आपको भी मेरी ये वाली वीडियो देखकर मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया ना तो एक बारी तो यहाँ पे जरूर आना। सेकेंडली हमारी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके अपनी हाजिरी लगा दो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू टू ऑल एंड लव यू, बाय 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 बाय। इन प्यारी प्यारी वादियों में से मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग के अंदर। ठीक है जी बाय बाय। जबरदस्त व्यू है, जबरदस्त नजारे हैं भाई साहब, अल्टीमेट। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। ओ गुरप्रीत पाजी की हाल है? पाजी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिकमेंड करोगे? मस्ट मस्ट विजिट। भैया कैसे हो, क्या हाल है? थक गए भैया, बस थक गए हो। अरे मजा बहुत आया। अरे मजा आया? मजा बहुत आया। चलो सही है, रिकमेंड करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। चलो सही है भाई, सही है। तो भाई हम भी रिकमेंड करेंगे आपको, जरूर आना। ठीक है।